मुमताज बहन, ओ मुमताज बहन। अस्सलाम वालेकुम सरस्वती बाजी। नमस्ते मुमताज बहन। आइए आइए, तशरीफ फरमाइए। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपको ये मालपुआ देने आई थी। आपको और रहीम बेटे को मालपुआ पसंद है ना, इसलिए। सरस्वती बाजी, इतनी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, जब आप मेरे और अर्जुन के लिए ईद पर सेवैया बनाकर भेजती हो, तो क्या मैं आपके और रहीम के लिए मालपुआ नहीं ला सकती? आप बैठिए, मैं इकरा बहू से आपके लिए चाय बनवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, राधिका बहू ने तो चाय बनाकर रखी है, मैं तो बस आपको ये मालपुआ देने आई थी। चलिए अब मैं चलती हूँ। सरस्वती के जाते ही मन मुमताज की बहू इकरा गुस्से में कहती है, अम्मी जान, आपसे हमने कितनी बार मना किया है कि इनसे कोई भी खाने पीने की चीज मत लिया कीजिए, ना जाने ये लोग कैसा खाना बनाते हैं। क्यों बहू, वो कुक हमारी तरह हाथों की बजाय पैरों से खाना बनाते हैं। अरे अम्मी जान, आप तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि वो लोग हमारे मजहब के नहीं हैं। इकरा बहू, फिर तो तुम्हें इस घर में भी नहीं रहना चाहिए। इस घर को जिन मजदूरों ने बनाया वो भी हमारे मजहब के नहीं थे। जो तुम दाल रोटी सब्जी खाती हो, उनकी खेती भी जरूरी नहीं हमारे मजहब के लोग करें। इसलिए आपसे तुम्हें ना ही तो इस घर में रहने की जरूरत है और ना ही खाना खाने की, ठीक है? अपनी सास मुमताज का ऐसा जवाब सुन इकरा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ, आ गई माँ जी उन लोगों को मेरे हाथ का बना हुआ मालपुआ देकर। बोल तो ऐसे रही है कि मैं तेरे हाथ का बना हुआ मालपुआ नहीं बल्कि तेरी सारी जायदाद उन लोगों को दे आई हूँ। माँ जी आप तो जानती है ना कि वो हमारे धर्म के नहीं है, तो फिर आप क्यों उनसे इतनी दोस्ती रखती हैं? क्यों, उन लोगों के हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ हैं? वो लोग हमारी तरह नाक की बजाय कानों से सांस लेते हैं क्या? तेरी माँ ने तो कहा था कि तू बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन तेरी इन बातों से तो तू मुझे बिल्कुल एक नंबर की जाहिल गंवार लगती है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है, जा मेरे लिए चाय लेकर आ। जहाँ एक तरफ सरस्वती और मुमताज के अलग धर्म मजहब के होने के बावजूद भी इन दोनों पड़ोसियों में काफी अच्छी दोस्ती और प्यार था, वहीं इन दोनों की बहू में हमेशा खिटपिट होती रहती थी। लेकिन इससे सरस्वती और मुमताज की दोस्ती में कभी कोई कड़वाहट पैदा नहीं होती। ये कूड़ा तुम्हारा है, इसे हमारे घर के सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये कूड़ा हमारा नहीं बल्कि तुम लोगों का है, इसे हमारे घर के सामने से उठाओ और ले जाओ। तुम्हारा कूड़ा मैं क्यों उठाऊं? तुम खुद उठाओ, ये तुम्हारा कूड़ा है। अपनी अपनी बहू के चिल्लाने की आवाज सुन सरस्वती और मुमताज घर से बाहर आ जाती हैं। अरे अरे, क्या हुआ, तुम दोनों को ऐसे क्यों लड़ रही हो? माँ जी देखिए ना, इस इकरा ने अपना सारा कूड़ा हमारे घर के सामने कर दिया और अब उठाने से मना कर रही है। नहीं अम्मी जान, ये झूठ बोल रही है, ये कूड़ा हमारा नहीं है। बुरा मत मानना मुमताज बहन, लेकिन मेरी बहू के साथ साथ आपकी बहू भी एक नंबर की मंदबुद्धि है। तुम दोनों को याद नहीं, कल शाम को तूफान आया था, उसी के साथ ये सारा कूड़ा उड़ता हुआ हमारे घर के सामने आ गया। सही कह रही हो सरस्वती बाजी, शरीर तो घोड़े जितना बड़ा हो गया है लेकिन अकल गधे जितनी है। अब यहाँ खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रही हो, जल्दी से ये सारा आंगन साफ करो। तेरा कूड़ा के चक्कर में अब दोनों बहुओं को अपने अपने आंगन की पूरी सफाई करनी पड़ती है और दोनों का ही पोपट हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है, जिसके चलते मुमताज और इकरा रोजे रखती हैं। या अल्लाह, मेरी कमर कितना दर्द कर रही है। मेरी भी कमर का कुछ ऐसा ही हाल है, लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कपड़े धो लिए। वो तो ठीक है बहू, लेकिन अब इफ्तारी कैसे बनाएंगे? थोड़ी देर में रोजा खोलने का वक्त हो जाएगा, इतनी जल्दी हम लोग इफ्तारी का इंतजाम कैसे करेंगे? अरे जब सरस्वती है तो फिक्र करने की क्या जरूरत है, ये देखिए मैं आप लोगों के लिए ये अफ्फतारी का खाना लेकर आई हूँ। अरे बाजी, अफ्फतारी नहीं इफ्तारी। वही, आप समझ गई ना, इतना काफी है। ये देखिए, ये सब कुछ मैंने बनाया है, वेज बिरयानी, पकौड़े, कचरी, शरबत और ये फ्रूट सैलेड भी, जितना मुझे पता था उतना मैंने बनाया है। अरे बाजी,
ये तो बहुत है हम दोनों के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आप भी हमारे साथ आज इफ्तारी कीजिए। अम्मी जान, ये आप क्या कह रही हैं? स्वाफ तजलिस बता तनावल अलिफ्तार मायना। क्या बहु, तुम्हें हिंदी समझ नहीं आई इसलिए मैंने अरबी बोला, अब तो समझ आ गया होगा ना। ये हमारे साथ बैठकर ही इफ्तारी करेंगे। आइए सरस्वती बाजी। मुमताज सरस्वती इफ्तारी करने के लिए दस्तरखान पर बैठ जाती हैं। मुमताज दुआ पढ़कर इफ्तारी करती है, वहीं सरस्वती भी उसकी इफ्तारी में साथ देती है, लेकिन इकरा अभी भी वहीं खड़ी रहती है। इकरा बहू, तेरा रोजा जब ही पूरा होगा जब तू एक इफ्तारी करेगी, वरना खुदा तेरा रोजा कबूल नहीं करेगा। अब तेरी मर्जी है कि तू यहाँ खड़े खड़े हमें इफ्तारी करता देख या हमारे साथ बैठकर इफ्तारी कर। इकरा के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसे भी उन लोगों के साथ ही बैठकर इफ्तारी करनी पड़ती है, और ऐसे ही समय गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम सरस्वती बहन, आज मैं आपके और अर्जुन बेटे के लिए ये सेवई बनाकर लाई हूँ। आंटी, सुबह से मेरा कुछ मीठा खाने का मन था और आप मेरे लिए ये सेवई ले आई। मुझे तो लगा था कि अब इस सेवई को खाने के लिए मुझे ईद का इंतजार करना पड़ेगा लेकिन अब तो मैं जी भर के सेवइयां खाऊंगा। मैं जानती हूँ तुम्हें सेवई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारी सेवई बनाई है। अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हें और ला कर दूंगी। ये क्या है, मैं आपके लिए हलवा बनाकर लाई हूँ और आप इनके घर की सेवई खा रहे हैं? बहू, तेरे हाथ का हलवा खाने से अच्छा है कि इंसान चीनी ही खा ले। माँ जी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है राधिका, इस सेवई के आगे तो सारी स्वीट डिशेस फेल हैं। बस बहुत हुआ, अब इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत बेइज्जती हो गई इन लोगों के सामने मेरी, लेकिन अब और नहीं। राधिका मुमताज और इकरा से अपना बदला लेने के लिए प्लान बनाती है। इस बाल्टी में गुलाल का रंग बिरंगा पानी है और इसमें है ढेर सारे पानी के गुब्बारे। जब ये दोनों चीज उस इकरा और उसकी सास मुमताज पर गिरेंगी तो कितना मजा आएगा। इन लोगों में होली नहीं खेलते है ना, लेकिन अब मैं भी देखती हूँ कि कौन इन्हें मेरे रंग से बचाता है। थोड़ी देर में इकरा या उसकी सास बाहर झाड़ू लगाने के लिए जरूर आएंगे, तब मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगी। राधिका इकरा और मुमताज पर रंग डालने का पूरा प्लान बना देती है और सीधा नीचे आ जाती कि तभी राधिका की सास। अरे राधिका बहू, आंगन में मेरी साड़ी गिर गई है, जा कर लिया। ठीक है माँ जी। राधिका जैसे ही अपनी सास की साड़ी उठाने के लिए आंगन में जाती है तो उसके ऊपर वो सारा गुलाल का पानी और पानी के गुब्बारे गिर जाते, और अब इकरा और मुमताज की जगह राधिका ही पूरे रंग में ढल जाती है, और तभी वहां से सरस्वती भी बाहर आ जाती है। अरे ये क्या बहू, होली में तो अभी कुछ दिन है, लेकिन तू तो अभी से ही होली खेलने लग गई। माँ जी, मैंने कोई होली नहीं खेली है, लगता है ये इकरा और उसकी सास की साजिश है, उन्होंने मेरे ऊपर गुलाल का पानी और गुब्बारे डाले हैं। भगवान से डर बहू, और कितना झूठ बोलेगी, ये पानी के गुब्बारे उन लोगों ने नहीं बल्कि मैंने तुझ पर डाले हैं। ये वही गुलाल का पानी और गुब्बारे थे जो तूने छत पर रखे थे इकरा और मुमताज बहन पर डालने के लिए। लेकिन माँ जी, ये सब आपने मेरे साथ क्यों किया? तुझे सबक सिखाने के लिए, तुझमें जरा भी शर्म नहीं है? उन लोगों का रमजान चल रहा है और तू उन लोगों पर ये सब डालना चाहती है? तू जानती है ना वो लोग होली नहीं खेलते हैं, नफरत करने की भी एक हद होती है राधिका बहू, लेकिन तूने तो सारी हदें पार कर दी। अगर दूसरों के धर्म की इज्जत नहीं कर सकते तो उनके धर्म को ठेस भी मत पहुंचाओ। सरस्वती गुस्से में अंदर चली जाती है, वहीं राधिका अपनी सास का इतना गुस्सा देखकर कुछ नहीं कह पाती। वहीं दूसरी तरफ, आज होली है, आज के दिन जब ये लोग जैसे ही अपना दरवाजा खोलेंगे तो अपने सामने इस चिकन बिरयानी को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे, और फिर अम्मी जान और इनकी दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। इकरा हाथों में चिकन बिरयानी लिए जैसे ही बाहर जाने लगती है कि तभी, अरे वाह, आज तूने सुबह सुबह बिरयानी बनाई, ला मुझे दे, बहुत जोरों की भूख लग रही है। लेकिन माँ जी, आपने अभी तो नाश्ता करा था। तो क्या हुआ, मैं दोबारा नहीं कर सकती? हाँ लेकिन तुझे इतना पसीना क्यों आ रहे हैं, तू कुछ छुपा रही है क्या? नहीं अम्मी जान, मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी? इकरा बहू, भूल मत, रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में झूठ बोलने का अजाब क्या होता है, इन चीजों से तो अच्छी तरह वाकिफ है तू। मैं जानती हूँ ये बिरयानी को तू सरस्वती बाजी के दरवाजे के बाहर डालने के लिए ले जा रही थी ताकि उनका होली का त्योहार खराब हो,
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। तेरे दिल में ये सब करते हुए खुदा का जरा भी खौफ नहीं आया? अपनी सास की ऐसी बातें सुन इकरा कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद मुमताज सरस्वती के घर उसे होली की बधाइयां देने जाती है। सरस्वती बाजी, होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार वालों को। मुमताज बहन जी, आपको भी होली मुबारक हो। दोनों सास एक दूसरे को बिना रंग लगाए होली की ढेरों शुभकामनाएं देती हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और आज ईद का त्योहार होता है, जिसके चलते सरस्वती अपने पूरे परिवार वालों के साथ मुमताज के घर उन्हें ईद की मुबारकबाद देने के लिए आती है। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खुदा करे हमारी दोस्ती को किसी की भी नजर ना लगे। मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन मैं जब से आपसे मिली हूँ तब से मुझे एक बड़ी बहन होने का एहसास होता है। अलग धर्म और मजहब से होने के बावजूद भी आज तक हमारी दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं आई है और ना ही कभी आए। अपनी अपनी सास को एक दूसरे के लिए दिल में इतनी इज्जत मोहब्बत देखकर अब इकरा और राधिका एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर देती है। समय बीतने के साथ साथ अब दोनों सासों की तरह ही इकरा और राधिका के बीच की कड़वाहट भी कम होकर प्यार जागने लगता है।